70-80 दिन से फरार थे, क्योंकि वह नाबालिग है उसकी सहमति में कोई उचित कदम नहीं। सर क्या है ये घटना पारित करने के बाद लगातार सफर कर रहे हैं? क्रम हुआ है इसमें लड़की की कैसी भूमिका रही, ये जो पता लगा कुल्हाड़ी मारी तो हम देखी बेटे को उसने, इस घटना क्रम में क्या बताया? पूछताछ में बच्ची से जितनी पूछताछ हुई है उसमें उसने बताया है कि पहला बार मुख्य आरोपी मुगल की तरफ से हुआ था। बच्ची ने उसे उस बालक को पकड़ के रखा था, उसे पकड़ के रखा था बालक ने, तो जो मुख्य आरोपी मुगल है उसने सिर पे वार किया था, तो सिर पे खिलाड़ी फंस गई थी उसने बताया। तो खिलाड़ी फंसने पर उस नाबालिग बच्ची ने खिलाड़ी निकाली थी और फिर दोबारा वार किया था बताया। मुकुल के विरुद्ध पासपोर्ट एक्ट भी लगा दिया गया है, ये क्या कारण था और कितनी बार उसका रहा, किस तरीके से रहा उसका, इसके पीछे का कारण? अब क्योंकि वह नाबालिग है उसकी सहमति में कोई उचित कदम नहीं, इसी वजह से आरोपी मुकुल के विरुद्ध 376 IPC और 500 अधिनियम के तहत FIR ली है और कार्रवाई की है। किस तरह के अपराध कर रहा है ये सूचना मतलब ट्रेन और ये तनाव में तो किस तरह का कतर और कितनी बार करीब करीब बच्ची ने बताया? देखिए अब क्या है वो लगभग 70-80 दिन से फरार थे और साथ में ही थे, तो उन्हें यही बताया कि हमने काफ़ी बार किया है, बताया है काफ़ी बार शारीरिक संपर्क में आए हैं, ज़्यादातर ट्रेन और जो भी सुनसान जगह रहती थी ऐसी जगह पर हमने किया है। और इसमें जो बात आ रही है कि एक बच्ची जो मुकुल ने जो तैयारी की थी तो कुल्हाड़ी आप कहाँ लेने जा रहे हैं, क्या है अभी पूछताछ चल रही है उसके संबंध में, अभी स्पष्ट कोई जानकारी अभी नहीं दे पाई है। कुल्हाड़ी बेंगलोर लेने जा रहे हैं ऐसा बताया? नहीं अभी कोई भी स्पष्ट नहीं है। एक दिन अपना पता चला है कि इन लोगों के कपड़ों में अभी भी ऐसा संभावना है कि खून लगा है और इसके बारे में क्या है? सर क्या है ये घटना पारित करने के बाद लगातार सफर कर रहे हैं, उनको कहीं भी रिलैक्स होने का टाइम मिला नहीं, ये भागते ही रहे। तो इन्होंने बताया भी है कि हमें नहाने धोने का बहुत कम टाइम मिला है, कपड़े धुलने का भी बहुत कम टाइम मिला है। तो जो लड़की से कुछ वस्तुएं बरामद हुई वो कुछ कपड़े भी हैं, तो हमें ऐसी उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ साक्ष के तौर पर हमें मिलेगा, तो वो सभी चीज़ें हम जाँच में जाँच के लिए भेजेंगे। ये जो घटना बताइए लड़के लड़की ने, ये कितने बजे अंदर हुए फिर कितने बजे आने के बीच क्या क्या किया, क्या बताता है? ये करीब 3 बजे 2:55 पे लड़का अंदर हुआ है और 2-3 बार बाहर जाके फिर से अंदर गया है, सामान वगैरह 2-3 बार ले गया है नीचे से अपने घर से फ्लैट पे, मृतक के फ्लैट पे सामान ले गया है जो उसने यूज भी किए हैं घटना के दौरान, वो 2-3 बार ले गया है और घटना की है इसने करीब 7:15 से 7:30 के बीच में पहली घटना पहला, और जस्ट उसके उसके साथ ही उसने बच्चे को भी मार दिया। बच्चे को क्यों मारा? मुख्य उद्देश्य उसके पिता की हत्या ही थी, पर चूंकि वह किसी प्रकार का साक्ष्य वहां छोड़ना नहीं चाहते थे, उनको पता था पहले से कि बच्चा जाग ही जाएगा, आवाज़ होगी तो शोर होगी, तो और लगभग वो पहले से उनके दिमाग में था कि बच्चे को भी मार ही देंगे, तो उनने क्योंकि वैसे ही हुआ जब पिता के चिल्लाने की आवाज़ में तो बच्चा दौड़ के कमरे से हॉल पे आया, तो जो मुख्य आरोपी है उसने बच्चे को भी मार दिया। जब बच्चा आया था तो ये दोनों की पहले से प्लानिंग थी कि उन्होंने दरवाजा खोला क्या है? नहीं दरवाजा तो नाबालिग बच्ची ने ही खोला है, पूरे खून जो घटनाक्रम में नाबालिग ने भी पूरा पापा और बेटे भाई को मार दिया। हाँ दोनों ने मिलकर किया है, सफाई भी मिलकर ही की है, पैकिंग भी मिलकर ही की है। घटना करने के बाद इतनी देर बाद निकले थे, बीच में क्या हुआ? उनकी साफ सफाई में करीब 3 घंटे का समय लगा है, क्योंकि पूरे हॉल में और कमरे में खून फैला हुआ था, तो साफ सफाई में उन लोगों ने कम से कम 3 घंटा दिया है। उसके बाद चूँकि लड़की के मोबाइल पे फ़ोन आ रहे थे, तो फिर उन्होंने प्लान किया कि नहीं अब यहाँ से निकल जाना उचित होगा, फिर वो निकल गए। टुकड़े करने के उद्देश्य से करने की कोशिश कर रहे थे, दूध लिया ऐसा उन्होंने बताया है, पहले ऐसा ही बताया था कि
हम लोग बॉडी के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करते और धीरे धीरे करके उसे अगले दिन रात को कहीं ठिकाने लगा देते। ऐसा था प्लान, क्योंकि फोन आ रहा था बार बार, इसलिए फिर उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, वहां से फरार हो गए। ये सब एक लड़की ने जो नकुल का नाम दिया था इसके बारे में बताया कि फोन करके जो वॉइस मैसेज भेजा था वो क्या उद्देश्य था? वो सही कहना था कि जब ये घटना घटित हुई तो जब खून एक साथ उसने ढेर सारा खून देखा तो कुछ समय के लिए वो डर गई थी, और उस डर की वजह से उसने मैसेज किया था।